आजकल मुख्तलिफ पाबंदियां लगी हुई हैं, एक खास कोटा मुकर्रर है, इससे ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते, कुरानदाजी होती है, कुरानदाजी में नाम आ गया तो जा सकता है, नहीं आ गया नहीं आया तो नहीं जा सकता। तो ये चूंकि पाबंदियां हैं इस किस्म की, इस वास्ते शरण भी इसकी गुंजाइश है, लेकिन अपना नाम दाखिल करना तो जरूरी है। जिसके जिम्मे इस मेयार पर जो मैंने जिक्र किया, उस मेयार पर जिसके जिम्मे हज फर्ज हो गया, उसके जिम्मे फर्ज है कि दरख्वास्त तो दे कम से कम। अगर कुरानदाजी में नाम नहीं आया तो अल्लाह ताला क्या माजूर होगा, लेकिन दरख्वास्त देना तो फर्ज हो गया। ये आजकल मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अब आजकल दरख्वास्तें जा रही हैं हज की, तो हर इंसान को अपने तमाम हालात का जायजा लेकर यह देखना चाहिए कि उस मेयार पर जो मैंने जिक्र किया उसके जिम्मे हज फर्ज हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो फिर दरख्वास्त देना कम अज कम फर्ज है, और अगर बिलफर्ज नाम नहीं आया कुरानदाजी में और इस वास्ते जाने से माजूर रहा, तो इस साल तो अल्लाह ताला के यहां माजूर हो गया, लेकिन उसके जिम्मे जरूरी है कि यह वसीयत करे कि अगर मैं हज कर किए बगैर दुनिया से चला गया तो मेरे तरके से मेरा हज बदल कराया जाए, यह वसीयत करना फर्ज है उसके लिए। अब वो जब अगर खुदा ना करे इंतकाल हो गया अगले हज करने से पहले, तो उस वक्त में वरासा अगर एक तिहाई के अंदर वो हज का खर्च आ जाता है तरके के एक तिहाई के अंदर, तो वरासा के जिम्मे फर्ज होगा कि वो हज कराए, हज बदल कराए, लेकिन अगर नहीं तो उस तरके में नहीं आता तो वरासा के जिम्मे फर्ज भी नहीं होगा। लिहाजा इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है कि जल्द अज जल्द अपना फरीजा यह अदा करने की कोशिश की जाए।